अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम कर रहे हैं साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 20। बेसिकली इट इज़ अबाउट लर्निंग। लर्निंग होती क्या है, हम उसके स्टेप्स, उसके वेरिएशन, वेरिएबल्स, हर चीज़ देखेंगे इसमें। यहाँ पे हम वीडियो शुरू करें से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। हम कहते हैं जी साइकोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, What is learning? For a lay person, it is a knowledge or skill gained through a schooling or a study. Basically, वो इल्म जो के हासिल किया जा सके schooling के through या पढ़ने के through, उसे हम psychology के point of view में learning कहते हैं। But commonly अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कोई ऐसा act, कोई ऐसा process या experience जिससे हम नॉलेज हासिल कर सकें, उसे हम लर्निंग कहते हैं। बट अगर प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो हम कहेंगे कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स अकरेंस, दिस चेंज इज नॉट ऑटोमेटिक एंड रिजल्ट फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। यानी कि कहा यह जा सकता है कि लर्निंग जो होती है वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर के अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स अकरेंस के अंदर। और ये जो चेंजेस होती हैं ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आपके बिहेवियर के अंदर रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। अब ये क्यों होती हैं, थ्रू अ प्रैक्टिस या फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। अब लर्निंग जो होता है वो किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, याद रखिएगा कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, एक्विजिशन ऑफ स्किल को इम्प्रूव करेगा और पॉजिटिव चेंज लाएगा बिहेवियर के अंदर। बट हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि सिंपल पॉजिटिव ही चेंज लाई जाएगी, यानी कि नेगेटिव चेंजेस भी आ सकती हैं। अगर हम आगे चल के बात करते हैं कि लर्निंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिहेवियर चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम सच प्रोसेस एज म्यूटेशंस एंड इलनेस बट डज नॉट अप्लाई अ मोटर स्किल। ओके गाइस, जो मैंने ज़्यादा डार्क अंडरलाइन किए हुए हैं चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली जो चीज़ मैं अंडरलाइन करी वो एम सी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट, और जिस पूरे पैराग्राफ को आप फर्ज करें फर्ज करें इस प्रोसेस को, यानी टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ लर्निंग को किया मैंने फुल अंडरलाइन। इसका मतलब है कि आपकी लॉन्ग वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिए ये लॉन्ग वाइज भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लेक्चर ही आपका इवन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं जी टाइप्स फॉर्म ऑफ लर्निंग, तो याद रखें तीन टाइप्स हैं लर्निंग की। पहली है वर्बल लर्निंग, इसमें हम बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में लर्नर को पता चलता है। अब वो कैसे पता चलता है, थ्रू एक्सपीरियंस। वर्बल लर्निंग जो होती है वो इन्वॉल्व करती है पर्सन एसोसिएशन को, एक्सपीरियंस को, रिलेशन को जो कि उसने पढ़ा होता है। इसके बाद ये मोटर लर्निंग यानी मोटर न्यूरॉन्स में काम करेगी, ये इन्वॉल्व होती है। ऊपर हमने एक्सपीरियंस देखा था वर्बल लर्निंग का, यानी कि वो एक्सपीरियंस हमें हासिल होती है। बट अब हम अगर मोटर लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ लर्न फिनोमेना है। अब इस पे वेरियस टास्क होंगे, एक्टिविटीज होंगी जिनमें मोटर स्किल्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस मिलेगी। अच्छा, यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल लर्निंग एंड मोटर लर्निंग, आप कहेंगे कि वर्बल लर्निंग आर दोज लर्निंग इन विच वी लर्न अबाउट एनवायरनमेंट थ्रू एक्सपीरियंस, बट इन अदर हैंड इन मोटर लर्निंग इज दोज लर्निंग विच आर प्रैक्टिकल एप्लीकेबल ऑफ अ लर्न फिनोमेना दैट इज वर्बल लर्निंग, या विच आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ वर्बल लर्निंग। इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मोटर स्किल्स की वजह से होती हैं, और मोटर स्किल्स क्या होती है, इसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू द वर्बल लर्निंग। अब किसी स्किल को लर्न करना आसान होता है, फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया भी किया जाता है। लर्निंग द स्किल लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आपने देखा, आपको अंदाज़ा हो गया, ओके आपने लर्न कर लिया। जब तक आप प्ले नहीं करेंगे आप उसे हासिल नहीं कर सकते, आप मोटर लर्निंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसके बाद जी इस मोटर लर्निंग में दो थिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट इज क्विकनेस ऑफ मूवमेंट एंड सेकेंड इज रिजल्ट्स दैट आर अचीव थ्रू इट। इसके बाद है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये यूजली इन्वॉल्व ट्रायल और एरर, प्राइमरी इंक्लूड वर्बल प्रोसेस।
इसमें जी प्राइमरी वर्बल प्रोसेस होता है, वहाँ मोटर न्यूरॉन्स थी यानी मोटर स्केल्स थी प्राइमरी, यहाँ पर आके प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने वर्बल प्रोसेस को प्राइमरी कर दिया और हमने कहा ये ट्रायल्स और एरर के बाद हासिल होती है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग। मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग तीन कंडीशनिंग है जी हमारे पास, पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड है अपेरेंट कंडीशनिंग, थर्ड है कोऑर्डिनेटिव अप्रोच टू लर्निंग। बेसिकली दो कंडीशनिंग है और एक अप्रोच है और ये सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम पहले टू मार्क्स क्वेश्चन देख लेते हैं जी, ये सारे टू मार्क्स क्वेश्चन है। बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टिमुलस, बेसिकली स्टिमुलस क्या होता है, हमने ऊपर बात की स्टिमुलस के अक्रेंस की। स्टिमुलस एनर्जी फिजिकल एनर्जी सोर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन को, जो अफेक्ट आफ्टर अफेक्शन वो प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स को। अब देखते हैं जी रिस्पॉन्स बेसिकली चीज़ क्या है, वो एक्शन वो बिहेवियर या वो रिएक्शन जो कि ट्रिगर्ड होता है स्टिमुलस की वजह से। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स वेरिएबल्स या कंडीशन जो इन्फ्लुएंस करती हैं या किसी सर्कमस्टांसिस को अफेक्ट करती हैं किसी का बिहेवियर चेंज करने में, यानी कि एक्सटर्नल वो एनवायरनमेंट बेसिकली वो चीज़ है जो कि डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के अंदर तब्दीलियाँ, यानी कि इंसान के बिहेवियर के अंदर जो तब्दीलियाँ ला सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कंडीशन भी हो सकती हैं, इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, इन्हें हम एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर है जी हमारे पास वेरिएबल्स, वो बिहेवियर फैक्टर सेटिंग्स और इवेंट जो कि चेंज करें या वेरी करें किसी भी चीज़ की मकदार को, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया जी क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशन में सारे सवाल ऐसे आएंगे वाई वाले, यानी कि वाई के जितने भी आ रहे हैं आपके उनके सब का जवाब क्लासिकल कंडीशनिंग दे सकती है। फर्ज करें आपके पास क्वेश्चन आता है जी, आप सोचते हैं कि बच्चा अंधेरे से क्यों डरता है, क्या बच्चा किसी भी पसंदीदा चीज़ को देख के उछलना क्यों शुरू कर देता है लाइक कैट डॉग, या वो डर के कांपना क्यों शुरू कर देता है डर की वजह से। इन सारों के जवाब दिए गए जी क्लासिकल कंडीशनिंग में। ये बेसिकली ये जो थी ना एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलस के काम किया क्लासिकल कंडीशनिंग ने, इसमें ऐसा हुआ कि स्टिमुलस ने ना एक्वायर की एक एबिलिटी। अब वो एबिलिटी उसने कैसे एक्वायर की, उसने एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से जब रिएक्ट कराया गया तो उसके जो रिस्पॉन्स में ना जो एबिलिटी बनी उसे स्टिमुलस ने फौरन से हासिल कर लिया, यानी कि एक और नया अंदाज किसी स्टिमुलस का रिएक्शन है। हम आगे चल के इसका पूरा तजर्बा देखेंगे, बहुत मज़े का है, थोड़ा सा वीएड भी है बट इस साइंटिस्ट ने ना किया था। अब थोड़े से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये पैराग्राफ जो है ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 1839 आइवन पेवलोव द रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशन बिगन हिज रिसर्च वर्क ऑन द डाइजेस्टिव प्रोसेस प्राइमरी दैट ऑफ डॉग, यानी कि ये है वो इंसान जिसका नाम है आइवन पेवलोव। ये इसने रिसर्च की थी ना, बेसिकली ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था और इस ही ने क्लासिकल कंडीशनिंग को बनाया था। मैंने इसके चेहरे का क्या अलग कर दिया। इसने बेसिकली रिसर्च किया था किस चीज़ पर, कुत्तों के ऊपर। अब स्पेसिफिक फुल कुत्तों के ऊपर नहीं किया था, उसने उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस के ऊपर रिसर्च की थी और इस रिसर्च के वजह से उसे नोबेल प्राइज सॉरी गाइस मुझे फ्लू हो रहा है तो उस वजह से काफ़ी इशू हो रहा है, उसे नोबेल प्राइज जीता था 1904 को। उसने उसका जो फोकल पॉइंट था ना इस सारी प्रोसेस के अंदर वो सेलिवेशन का था, यानी कि थूक का था। अब कुत्ते के मुंह से थूक क्यों आती है, तो इसने इस बात को लेकर पूरा एक अहले कज़ाब आपके सर पर मुसलत कर दिया, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दे दी। अब उसने ना क्या किया, उसने कहा कि इट वॉज ऑलरेडी नोन दैट द डॉग वर्ल्ड सेलिवेटिव फूड पाउडर वर लेड इनटू देयर माउथ एज इट वॉज रिफ्लेक्ट
उसने कहा, उसे पता था कि कुत्तों के मुंह में थूक तब आती है जब वो उनके सामने या उनके मुंह के अंदर फूड का पाउडर आ जाता है, यानी कि उनकी ज़ुबान पे स्पेसिफिक वर्ड्स ओपन होते हैं जो कि फूड रिलेटेड होते हैं। इस सारे प्रोसेस को उसने कहा ये रिफ्लेक्स है। बट द डॉग वुड सर्व इट एवरी टाइम द फूड पाउडर वाज प्रेजेंटेड, यानी कि कुत्तों के मुंह में थूक तब आती है, यानी सेल्वेशन तब स्टार्ट होती है, हर उस वक्त स्टार्ट होती है जब उसे, दो मिनट, ये एक्सटर्नल माउस के शो, जब भी वो खाने को देखता है। अब पेवलोव जो था ना, उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ वक्त या कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि डॉग्स एट टाइम सेल्वेटेड जस्ट बिफोर फूड वाज पुट इनटू देयर माउथ, दे आल्सो सेल्वेटेड एट द साइट ऑफ द फूड एंड इवन द साइट ऑफ द लैब असिस्टेंट्स हु ब्रॉट फूड फॉर देम। अब उसने देखा कि देखें, खाने की वजह से नहीं सेल्वेट वो करता कुत्ता। उसने पेवलोव ने रिसर्च की, उसने ऑब्जर्व किया कि देखें, जब भी हम वो उस कुत्ते को खाने का ख्याल आता है तभी उसके मुंह में सेल्वेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी वो सेलिब्रेट करता है, या वो उस इंसान को देख के भी सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है जिस जो उसे कुत्ता जो उसे खाना डालता है, यानी कि वो कुत्ता हर उस टाइम पर सेलिब्रेट करता है जब भी उसके जहन में ख्याल आता है खाने का। अब ये उसने इस सारे को देख के ना उसके दिमाग में क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। अब बेसिकली इस थ्योरी में था क्या, इसमें है जी अ टाइप ऑफ अ लर्निंग इन विच अ प्रीवियस नेचुरल स्टिमुलस स्टार्ट एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स दैट वाज ओरिजिनली द रिस्पॉन्स टू अ नेचुरल स्टिमुलस दैट स्टिमुलस दैट वाज मेंट टू प्रोड्यूस that response, so it is so, it so happened because the natural stimulus had been closely associated with the natural stimulus. basically puri theory usne is tarah de di, ye aapko pura paragraph rakhna hoga. usne kaha ki dekhiye ye ek aisi type of learning hai jisme hum dekhte hain ki ek natural stimulus jo hai wo start kar deta hai response karna jo ki originally उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है, यानी कि एक उसने बात कही कि देखिए जी नेचुरल स्टिमुलस फौरन से रिस्पॉन्स करेगा जो कि उसका असल में काम है। अब वो उसका असल काम क्या है, उसका असल काम हुआ कि स्टिमुलस को जो बनाया गया, बेसिकली हमने ऊपर पढ़ा था स्टिमुलस इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय अ स्टिमुलस, तो सारा कुछ वही सारी चीज़ इसने थोड़ी सी यहाँ पर वर्डिंग चेंज कर दी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकल टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ हुई। अब ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोगों ने शुरू में देखा रिफ्लेक्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एन ऑटोमेटिक अनलर्न रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलस, एक फौरन से वकूफ पजीर होने वाला अनजान सा रिस्पॉन्स एक खास स्टिमुलस के अकर करने के बाद जो आता है उसे रिफ्लेक्स कहा गया। उसने दो चीज़ें बताई थी, एब्रीवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, UCS stand for unconditioned stimulus, a stimulus that is elicits a response reflective naturally or reliably। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, ऊपर हमने अनकंडीशन स्टिमुलस देखा, इसके हम डायग्राम इंशाल्लाह पूरी देखेंगे, मैं आपको उसमें सही समझाऊंगी। अ नेचुरल रिफ्लेक्टिव रिलायबल रिस्पॉन्स फॉर द UCS। इसके बाद कंडीशनल स्टिमुलस आ गया, एक प्राइमरी नेचुरल स्टिमुलस व्हेन पेयर्ड दैट UCS स्टार्ट इवोकिंग अ रिस्पॉन्स, एक ऐसा नेचुरल स्टिमुलस जो कि UCS के साथ मिल कर काम करता है जिसके नतीजे में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जो कि UCR में भी ऐसे ही होता है, यानी कि UCR CS ये दोनों मिलते हैं UCS से। अब जब सिंपल हम UCS से मिलाएंगे तो उसे कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे। अब हम चलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स CR की तरफ। आफ्टर कंडीशनिंग द CS बिगिन टू एलिसिट अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स दैट आर CR। अब हम देखते हैं जी पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जो उसने डायग्राम बनाई थी बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले नेचुरल स्टिमुलस था उसे टोन कहा गया, ओरिएंटेशन टू साउंड कोई रिस्पॉन्स नहीं आया नेचुरल स्टिमुलस में,
यानी कि साउंड से तो उसने ख़ुद को मुतारफ़ कराया बट रिस्पॉन्स पर यूज़ नहीं की। फिर हमने देखा UCS को, UCS में उसने बात की कि उसके मुंह में फूड पाउडर प्रोड्यूस हो गया जिसके नतीजे में UCR प्रोड्यूस हुआ। UCR यानी कि सेल्वेशन, UCS से मिलकर जो बना वो सेल्वेशन आ गया। इसके बाद CR हमारे पास आया जी, कैसे CR में क्या क्या दो चीज़ें मिली यानी सेल्वेशन के अंदर। हमने ऊपर बात की थी नेचुरल स्टिमुलस था और फूड पाउडर मिल रहा था, तो हमने इसमें मज़ीद खोल के लिख दिया द कम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल स्टिमुलस प्लस UCS इज कॉल्ड CR। इन द पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें पेवलोव के बारे में, तो हमने देखा कि नेचुरल स्टिमुलस प्लस UCS व्हेन कंबाइंड दे प्रोड्यूस सेल्वेशन इन अ डॉग। फिर हमारे पास CS दोबारा आया, दैट इज टोन। और अब हम जब कंडीशन देख चुके हैं तो CR क्या आया, सेल्वेशन। शुरू में हमने देखा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग जब पूरी हो गई, नेचुरल स्टिमुलस था तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने CS पे कवर किया तो उसने CR प्रोड्यूस किया यानी कि सेल्वेशन। एक और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जॉन पी वॉटसन, 1878 से 1958 तक हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनिशियली ट्रेंड इन इंट्रोस्पेक्शन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो बट फाउंड इट एक्सट्रीमली वेज एंड मेंटलिस्टिक। ये थोड़ा सा पागल सा था, आपको मैं इसके रिसर्च बताऊँगी, इसने एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह किए थे। ये जो था ना, ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च विद एनिमल्स पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसने रेवोल्यूशनरी प्रैग्मेटिक अप्रोच दी थी जिन्हें बाद में रेडिकल बिहेवियरिज्म कहा गया था। फॉर वॉटसन ऑब्जर्वर बिहेवियर इज ऑल दैट साइकोलॉजी शुड बी लुकिंग एट, उसके नज़दीक जितना कुछ देख के हासिल किया जा सकता है साइकोलॉजी के अंदर एक काफ़ी रोशन कह लें कि टाइप है लर्निंग की। Environment and external environment is what shape and determine behavior. अब इसके जो impact आए ना learning experience के ऊपर वो क्या थे, या यूँ कह लें कि experience कराए गए learning experience है ना, वाटसन ने बहुत ज़्यादा experiment basically कराए थे। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे healthy छोटे बच्चे दें, well formed हों, उनके ऑन स्पेसिफिक वर्ड टू ब्रिंग दैम अप इन, एंड आई विल ग्रांटेड टू टेक एनी वन एट अ रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ अ स्पेशलिस्ट। आई माइट सेलेक्ट डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, मर्चेंट, शेफ और एंड गेस्ट इवन बैगर मैन एंड थेफ या थीफ रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट, पेंशन, टेंडेंसीज, एबिलिटीज, वोकेशन एंड रेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स। अब उसने कहा कि मुझे आप एक डजन हेल्दी इन्फेंट देना तो जो कि वेल फॉर्म हो, एक स्पेसिफिक एक ख़ानदान से, एक दुनिया से उठे हुए या लाए गए लोग हों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं उनमें से कुछ चुनूंगा रैंडम, मैं उन्हें ट्रेन करूंगा। अब इस ट्रेनिंग के बाद वो या तो हो सकते हैं डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, कुछ भी बन सकते हैं, हाँ वो फ़कीर भी बन सकते हैं, वो चोर भी बन सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर क्या चीज़ का टैलेंट है, क्योंकि मैं उन्हें ट्रेन करूँगा जिस चीज़ के अंदर वो उसी हिसाब से बनेंगे, उनके अंदर हिडन टैलेंट है तो होता रहे, इसके नज़दीक ये था। इसके बाद जो उसने ये थोड़ा थोड़ा सा खदमा किस्म का था साइकाइट्रिस्ट ना, अब एक हॉस्पिटल में वो गया तो उसने वहाँ पे एक बेवकूफ़ी की, यानी कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट किया था ना कि इसके नज़दीक था ना, बस जो चीज़ सामने उसे फौरन फौरन एक्सपेरिमेंट कर दो, अजीत पसंद किस्म का था। अब लिटिल एल्बर्ट केस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके पास आ सकता है जी, व्हाट इज़ लिटिल एल्बर्ट केस, व्हाट हैपन इन लिटिल एल्बर्ट केस। तो इसने बेसिकली डर के ऊपर बात की थी ना इसमें, और एक 1920 की बात है जब उसने डेवलप किया था फियर को, डर के बारे में बात की थी। अभी कौन थे, एक वाटसन था, एक उसके साथ उसका हेल्पर था रोजली राइनर्स, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। 11 साल के छोटे बच्चा जिसका नाम था एल्बर्ट, अब वो एक छोटे अब वो हॉस्पिटल में बेसिकली वो गए थे ना हॉस्पिटल में, एक बच्चा था, उसकी अम्मी उसे छोड़ के गई ना, बिठा के गई विजिटिंग रूम में। अब ये दोनों अफराद आ गए जी वहाँ पर,
अभी ने देखा कि यार ऐसा एक बच्चा है सफेद चूहे के साथ वो खेल रहा है। अब वो जब चूहा जो होता है ना वो ऊंची आवाज प्रोड्यूस करता है तो बच्चा डरता है, हालांकि वो बच्चा उसके पेरेंट्स से नहीं डर रहा। तो उन्होंने क्या किया कि फौरन से ना उस बच्चे के पास गए, उस चूहे को पकड़ा, उसे इतने जोर से प्रेस किया यानी कि उसे डराया कि बच्चे ने चूहे ने चीखना शुरू कर दिया बेसिकली। अब जब चूहे ने आवाज़ भी प्रोड्यूस की तो बच्चा डर गया। अब हुआ ये कि उसने फौरन से आके ना दूसरा चूहा भी रखा, बच्चा क्योंकि डर चुका था चूहे से सो वो दूसरे चूहे से भी जब भी आवाज़ प्रोड्यूस करता बच्चा डरता। अब ऐसी आसना में हुआ ये कि वो बच्चा रोना शुरू हो गया। अब उसने ना इसमें 7 ट्राइज किए, 7 किस्म के अंदाज अपनाए चूहे को लेकर उस बच्चे को। अब उसकी अम्मी जो थी एकदम वापस आ गई, उन्हें काफ़ी गुस्सा आया, उन्होंने उसे काफ़ी डांटा भी, विदाउट परमिशन आपने एक्सपेरिमेंट किया कैसे, क्योंकि बच्चा रोना शुरू हो गया था। अब हुआ ये कि उस बच्चे के दिल में खौफ पैदा हो गया, अब वो चूहों से डरना शुरू हो गया, हालांकि वो पहले नहीं था इसके एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। इसने वहां जाके वैसे पता चला कि ओके फियर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जी दोबारा हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, पहले था ना रैट, वो उसे रैट पसंद था, फिर जब इसी उस चूहे ने ऊंची आवाज़ निकाली तो बच्चा डर गया। अब जब एक नेचुरल स्टिमुलस और UCS यानी कि लाउड नॉइस आई तो बच्चा ज़्यादा फियर महसूस करने लगा, तो CS प्रोड्यूस हुआ यानी कि रैट से वो डर गया। अब वो 7 स्टेजेस बेसिकली क्या थी, पहली है एक्विजिशन, सेकेंड है एक्सटिंक्शन, थर्ड है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फोर्थ है स्टिमुलस जनरेशन, फिफ्थ है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन और सिक्स्थ है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। वन बाय वन हम चलते हैं जी एक्विजिशन। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें स्टिमुलस क्वेश्चन जनरेट करता है अबाउट कंडीशन रिस्पॉन्स के। द स्टेज ऑफ इनिशियल लर्निंग व्हेन रिस्पॉन्सेज आर एस्टैब्लिश एंड देन ग्रेजुअली स्ट्रेंथन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड पेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन। दिस इज व्हेन क्लासिकल कंडीशन कैन बी सेड टू बी हैव टेकन प्लेस, दैट इज एक्सटिंक्शन। The unlearning of the conditioned response by weakening it, leading it to disappearance using the same principle as those for learning the response. इस पर हम देखते हैं जी important जो चीज़ है okay. आगे हम जो बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लें, ये थोड़ा सा रह गया था मुझसे स्पेंटेनियस रिकवरी। कंसिडर द केस ऑफ समवन हु लेफ्ट स्मोकिंग बट द वेरी साइड ऑफ समवन एल्स हु इज स्मोकिंग मेक हिम फील लाइक स्मोकिंग। अब आप कंसिडर करें कि एक इंसान है जिसने सिगरेट नोशी करना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, बट वो देखते हैं किसी ऐसे इंसान को जो सिगरेट पी रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि वो भी सिगरेट पी रहा है, उसे महसूस हो रहा है। बेसिकली ये महसूस करने गेम थी। द सेम मे हैपन व्हेन अ चाइल्ड हुज फियर ऑफ अ डॉग हैड बीन ट्रीटेड। मतलब ये काफ़ी था, फौरन जाके एक्सपेरिमेंट करता था। ओके एक और मैं बताया जी हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बेसिकली होता क्या है। अ प्रोसेस व्हेन एन ऑलरेडी कंडीशन स्टिमुलस इज रिपीटेडली पेयर्ड विद द नेचुरल स्टिमुलस एंड अल्टीमेटली द नेचुरल स्टिमुलस बिगिन टू अवोक द सेम रिस्पॉन्स एज टू ओरिजिनल स्टिमुलस। ओके गाइस इस तरह है कि मैं इसकी सेकंड पार्ट बना दूंगी, थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। मिलते हैं, होप्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।